नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इच्छी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरियाणी और राजस्थानी डिश घेवर। तीज आ रही है तो घेवर तो बनता ही है, चलो ट्राई करते हैं और वो भी हम जल्दी, हलवाइयों की तरह हम बहुत टाइम नहीं लगाएंगे और मिक्सी में हम फटाफट घेवर रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम मिक्सी जार लेंगे, उसमें 4 चम्मच हम घी डालेंगे। हम इसमें एक तरफ की क्यूब डालेंगे और इसको मिक्सी में अच्छे से फैट लेंगे। इसके बाद हमारा घी मक्खन की तरह हो गया। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप दूध, 2 चम्मच इसको ग्राइंड करेंगे। इसे हमें 5 मिनट तक फेंटना है। हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया। अब हमारा ये बैटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके मैदा। ध्यान रहे कि दूध भी ठंडा ही होना चाहिए। हम थोड़ी थोड़ी करके मैदा डालेंगे। हमने 1 कटोरी मैदा लिए और अब डालेंगे थोड़ा ठंडा पानी। पानी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। अब इसको भी हम फेंट लेते हैं। अब इसमें हम बाकी के भी मैदा डाल देंगे और डालेंगे थोड़ा ठंडा पानी। फिर से इसे फेंट लेंगे। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। बस ऐसे ही वीडियो बैटर चाहिए। अब इसे हम बाउल में डाल देंगे अपना सारा बैटर। बैटर को धीरे धीरे मिक्सी में करना है जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनाना है हमें। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है इस बैटर को हम फ्रिज में रख देंगे। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, मिक्स कर देंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। पतीले में हमने घी डाल दिया है। आज हम बिना सांचे के बना रहे हैं तो हमने ऐसा पतीला लिया है और उसमें आधे से थोड़ा कम तेल डाला है, घी डाला है। अब हम इसका अपना बैटर डालेंगे। अब बैटर को 1 चम्मच लेके बीच में से गैप करते रहें, गैस की फ्लेम तेज रखें और इस तरह से हम अपना बैटर डालते जाएंगे। जब तक हम एक प्लेट तैयार कर लेंगे उस पर जाली रख देंगे और इस पर हम अपना घेवर रखेंगे जिससे एक्स्ट्रा घी प्लेट में निकल जाए। हमारा घेवर पक गया है। हम इसकी सहायता से इसको अब निकाल लेंगे और इस ट्रे पे रख देंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा घी निकल जाए। एक कटोरी बैटर में हमारे 3 घेवर बन के रेडी हो गए हैं। अब हम उसको चाशनी लगाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक पतीला लेंगे, उसमें लेंगे 1 कटोरी चीनी और 1/2 कटोरी पानी। हमें 1 कप की चाशनी बनानी है और जब तक चीनी हमारी पिघलती है हम रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम ये 4 चम्मच गेहूं का आटा लेंगे
आज हम आधा किलो दूध से ही आधा किलो रबड़ी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले 4 चम्मच आटा ले लेते हैं, 4 चम्मच हम मिल्क पाउडर ले लेते हैं, 4 चम्मच और मिल्क पाउडर से थोड़ा अच्छा लगेगी रबड़ी हमारी, तो हम ये 4 चम्मच डाल रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के फेंट लेते हैं। ध्यान रहे इसमें लम्स ना पड़े। हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने आधा किलो दूध चढ़ा दिया है, इसको उबाल आने तक हम पकाएंगे। जब तक दूध उबल रहा है अपनी चाशनी भी हम चेक कर लेते हैं। चाशनी को ना ही पतला बनाना है ना ही गाढ़ा, इसको एक तार की बनानी है हमें। दूध में उबाल आ गया है। अब हम डालेंगे जो हमने बैटर बनाया था आटे का और मिल्क पाउडर का, उसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते जाएंगे जिससे कि कोई लम्स ना पड़े। गैस को यहाँ धीमी कर देंगे हम। इस तरह से अपना पूरा बैटर डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। गैस को कर देंगे हम मीडियम। चलाते चलाते इसको हम गाढ़ी करेंगे रबड़ी को। रबड़ी में अच्छा उबाल आ गया है। हम इसमें डालेंगे 6 चम्मच चीनी, 6 चम्मच चीनी को भी अच्छे से मिला लेंगे। रबड़ी को चलाते हुए ही पकाएंगे। हमें घेवर के लिए रबड़ी बनानी है तो हमें थोड़ी गाढ़ी बनानी पड़ेगी। गैस को कर देंगे थोड़ी कम। जब तक चाशनी देख लेते हैं हम लोग। चाशनी भी बन गई है, हम चेक कर लेते हैं। चाशनी को हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं कटोरी में और चेक कर लेते हैं। एक तार की चाशनी बन गई है। अब गैस कर देंगे बंद और हम चाशनी को ठंडा होने देंगे। अभी रबड़ी हमारी गाढ़ी हो रही है, इसमें डाल देंगे हम बादाम और इसको मिला लेंगे। रबड़ी हमारी गाढ़ी हो गई है, ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो गई। तो हम इसको कर देते हैं अब गैस को बंद और इसको ठंडा होने देते हैं। चाशनी हमारी आज हल्की गर्म रहेगी, हमें हल्की गर्म में ही इसको डालना है। इस तरह से डाल देंगे हम अपनी गेवर पे। नीचे हमने स्टैंड लगा दिया है, जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे निकल जाएगी। इसी तरह से हम सारे घेवरों को रखेंगे। हमने सभी घेवरों में अच्छे से चाशनी लगा दी है। रबड़ी ठंडी होने के बाद लगाएंगे
रबड़ी हमारी ठंडी हो गई है, अब हम लगाएंगे अपने घेवर पे रबड़ी। इसको बादाम से इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। ये हमारा घेवर रेडी हो गया।